गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रिज्मों का संयोजन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण होता है, साथ ही साथ विचलन भी होता है। जैसे ये प्रिज्म है, इसमें यदि हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये अपने अवयवी रंगों में भी विभक्त हो जाता है, साथ ही साथ इसका विचलन भी होता है। लेकिन अनेक कार्यों के लिए प्रकाश का केवल कहीं पर विचलन की जरूरत पड़ती है, विक्षेपण की नहीं, और कहीं पर विक्षेपण की जरूरत पड़ती है, विचलन की नहीं। तो इसके लिए प्रिज्मों को जोड़ा जाता है। प्रिज्मों को संयोजित करने के लिए क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच के प्रिज्म लिए जाते हैं। दोनों की जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है अलग अलग होती है। तो दोनों को जोड़ने के पश्चात हम कहीं पर वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त कर सकते हैं और कहीं पर विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इसे प्रकाश का आवरणक, प्रिज्मों का आवरणक संयोग भी कहा जाता है। प्रिज्मों का आवरणक संयोग भी कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यहां पर प्रकाश, इस क्रिया में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता, वो सात रंगों में नहीं बढ़ता, सिर्फ प्रकाश का यहां पर विचलन होता है, अर्थात वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसके लिए दो प्रिज्म लेते हैं, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के बने हुए दो प्रिज्म लेते हैं। सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं। ये क्राउन कांच का प्रिज्म है और एक फ्लिंट कांच का प्रिज्म है। दोनों के जो कोण होते हैं, अपवर्तक कोण, एक दूसरे के विपरीत रखे हुए होते हैं। इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए दो प्रिज्मों को जोड़ा जाता है। एक क्राउन कांच का, समझ आ रहा है, ये जो है क्राउन कांच का प्रिज्म है और ये जो है फ्लिंट कांच का प्रिज्म है। प्रकाश किरण क्राउन कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, इसको जाना चाहिए तो इधर, पर उधर न जा करके ये इस रूप में ऐसा ये भी प्रकाश किरण क्राउन कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण सात रंगों में बढ़ जाती है। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर रेड और नीचे वायलेट। लेकिन जब ये प्रकाश किरण क्राउन कांच से फ्लिंट कांच में प्रवेश करती है तो पुनः आपस में मिल जाते हैं, तथा जब फ्लिंट कांच से बाहर होती है तो हमको ये श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। जो निर्गत किरण है वे हमें किस रूप में प्राप्त होती है, श्वेत प्रकाश के रूप में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर
क्राउन कांच के द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये जितना कोणीय वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है फ्लिंट कांच के प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण के बराबर होता है तथा विपरीत होता है। इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण क्या हो जाता है, परिणामी वर्ण विक्षेपण कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। परिणामी वर्ण विक्षेपण जीरो हो जाता है, सात रंगों में नहीं बढ़ता। क्या हो रहा है यहां पर, श्वेत प्रकाश किरण क्राउन कांच के प्रिज्म प्राप्तित हुआ, ये सात रंगों में तो बढ़ गया, लेकिन जब ये फ्लिंट से होकर गुजरता है तो ये सात रंग पुनः आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार से प्रिज्मों के संयोजन के पश्चात जो निर्गत किरण हमको प्राप्त हो रही है वो किस प्रकार का है, श्वेत प्रकाश है। ये अपने मार्ग से भर क्या हो रही है, विचलित हो रहा है, विचलन कोण इतना मिलेगा। ठीक है, चित्र में दिखाया गया है सी क्राउन कांच का एक प्रिज्म है, एफ फ्लिंट कांच का एक प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म का कोण क्रमशः ए और ए डैश है, अपवर्तक कोण, क्राउन का ए है, फ्लिंट का क्या है, ए डैश है। दोनों के अपवर्तक कोण एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं, विपरीत रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त ज्ञात करेंगे, क्या शर्त होनी चाहिए ये अपन यहां पर देखते हैं। मान लो बैगनी तथा लाल रंग, बैंगनी तथा लाल रंग के लिए क्राउन कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बी तथा म्यू आर है, समझ आ रहा है, बैंगनी तथा लाल रंग के किरणों के लिए, ठीक है, क्राउन कांच के अपवर्तनांक क्रमशः क्या क्या है, म्यू बी और म्यू आर है। यदि क्राउन कांच के प्रिज्म का कोण ए है, यहाँ पर हमने लिया हुआ है, ठीक है, क्राउन कांच के प्रिज्म का कोण ए है, तो क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न क्या उत्पन्न होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये कितना कोणीय वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, ये बराबर होगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। हम पहले पढ़ चुके हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में, हमको मालूम है लाल तथा बैंगनी रंग के किरणों के मध्य क्राउन कांच के प्रिज्म में उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, इसी तरह से फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए बैंगनी तथा लाल रंग
के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। पहले हमने क्या निकाला, क्राउन के निकाला, अब फ्रिंज के निकाल रहे हैं। फ्रिंज रंग फ्रिंज वाले प्रिज्म के लिए यदि बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बी डैश और लाल रंग के लिए कितना म्यू आर डैश है तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म का कोण ए डैश है। समझा रहे है? पहले अपन ने क्राउन कांच के लिए निकाला, अब फ्लिंट कांच के लिए निकालते हैं। तो फ्लिंट कांच के लिए यदि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बी डैश ठीक है और लाल रंग के लिए म्यू आर डैश है तथा प्रिज्म का कोण ए डैश है तो फ्लिंट कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण ये बराबर हो जाएगा म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो ये होगा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण और ये है क्राउन कांच के प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण ठीक है। किंतु इस संयोग में कुल वर्ण विक्षेपण जीरो होता है, जितना ये उत्पन्न कर रहा है उसके विपरीत तथा बराबर फ्लिंट कांच का प्रिज्म उत्पन्न कर रहा है तो कुल वर्ण विक्षेपण जीरो है तो दोनों को हम जीरो कर देंगे। किंतु इस संयोग में कुल वर्ण विक्षेपण शून्य होता है ठीक है। अपन जीरो कर देते हैं दोनों को, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो। इसको आगे और हल कर देते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल टू इसको उधर ले ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा म्यू बी डैश ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। या इसको अपन आगे और हल कर देते हैं, ए अपान ए डैश इसको अपन समीकरण नंबर एक दे देते हैं, ए अपान ए डैश तो ये उधर चला जाएगा इक्वल टू माइनस
न्यू बी डैश, ठीक है, माइनस न्यू आर डैश अपान न्यू बी माइनस म्यू आर। ये हो गया समीकरण नंबर दो। तो ये समीकरण नंबर दो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त है, अर्थात a बटे ए डैश इक्वल टू होना चाहिए माइनस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपान म्यू बी माइनस म्यू आर। यहाँ पर माइनस चिन्ह आया हुआ है, ठीक है, तो ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत बता रहा है कि दोनों प्रिज्मों के जो अपवर्तक कोण है उसको विपरीत डायरेक्शन पे विपरीत दिशा में रखा गया है। तो ये समीकरण नंबर दो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त हुआ। अब अपन आगे देखते हैं परिणामी विचलन कितना होगा। यहाँ पर विक्षेपण तो हो नहीं रहा है, सिर्फ विचलन हो रहा है, तो परिणामी विचलन का मान हम आगे ज्ञात करेंगे। मान लो माध्य किरण माध्य किरण हमेशा येलो कलर के किरण को लिया जाता है, पीले रंग कोष्ठक में लेते हैं अपन, पीले रंग को ही माध्य किरण के रूप में माना जाता है। मान लो माध्य किरण के लिए क्राउन कांच के क्राउन कांच के लिए प्रिज्म के मान लो माध्य किरण पीले रंग के लिए क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक म्यू वाई तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक म्यू वाई डैश है, ठीक है। जो माध्य किरण है उसके लिए क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक म्यू वाई और फ्लिंट कांच के लिए म्यू वाई डैश है। हम इस समीकरण को साइड में लिख देते हैं क्योंकि अभी यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल टू माइनस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, समीकरण नंबर एक है, और ए बटे ए डैश इक्वल टू म्यू बी माइनस अपान म्यू बी माइनस म्यू आर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन। क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन, हमको मालूम है, फार्मूला मालूम है,
डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, ये हमको मालूम है पहले से। तो माध्य किरण का इसको अपन डेल्टा वाई से व्यक्त करते हैं, तो डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। ये किसके लिए विचलन हुआ, क्राउन कांच के प्रिज्म के द्वारा माध्य किरण का विचलन। इसी तरीके से प्लेन कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन, इसको हम डेल्टा वाई डैश से व्यक्त करते हैं, तो डेल्टा वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। ठीक है, इस प्रकार से परिणामी विचलन, परिणामी विचलन चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, क्राउन कांच भी विचलन पैदा कर रहा है और फ्लिंट कांच भी विचलन पैदा कर रहा है। तो परिणामी विचलन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों विचलन को अपन जोड़ देंगे, d इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई डैश। या d इक्वल टू डेल्टा y का मान था म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए। ठीक है, यहां पर ये a डैश आएगा, a डैश का मान हम समीकरण नंबर एक से रखेंगे, यहां से a डैश की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, d इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस ए डैश का मान देखिए, ये ए डैश ऐसा इधर रह जाएगा, माइनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, और ऊपर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, म्यू वाई डैश माइनस वन। इस समीकरण नंबर एक से हम ए डैश की वैल्यू निकाले हैं ना, ये ए डैश का मान होता है। इसको और आगे हल कर देते हैं, परिणामी विचलन बराबर म्यू वाई माइनस वन को कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, इसको बाहर कर दिए तो यहाँ वन बचेगा, म्यू भी माइनस म्यू आर म्यू वाई डैश माइनस वन, चूंकि ये इसमें शामिल नहीं है इसलिए नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, डिवाइड भाग दे देंगे इसका, म्यू वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। तो डी इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, ये किसके बराबर है, म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई वाई माइनस वन ओमेगा के बराबर है, और ये म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन, ये ओमेगा डैश के बराबर है। यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू ये वन विक्षेपण क्षमता है, ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस वन क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए ये वर्ण विक्षेपण क्षमता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है ओमेगा इक्वल टू, और ओमेगा डैश ये है म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन,
फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता है। इस प्रकार से हमें जो परिणामी विचलन जो प्राप्त होगा D इक्वल टू डेल्टा वाई वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैस। ये परिणामी विचलन के लिए सूत्र होगा। इस प्रकार परिणामी विचलन D इक्वल टू डेल्टा वाई वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश प्राप्त हुआ, जहां पर ओमेगा बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस वन क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता है तथा ओमेगा डैश बराबर म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता है। इस समीकरण से साफ स्पष्ट है क्योंकि ओमेगा और ओमेगा डैश कभी बराबर नहीं हो सकते। प्रकाश की किरण के लिए श्वेत प्रकाश की किरण के लिए क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता अलग अलग होती है, बराबर नहीं होती, अर्थात ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा डैश, इसलिए डी जीरो नहीं हो सकता, अर्थात हमको परिणामी विचलन प्राप्त होगा ही होगा, विचलन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके पश्चात हम देखेंगे विचलन रहित विक्षेपण। विचलन रहित विक्षेपण, विचलन रहित नाम से स्पष्ट है विचलन नहीं है, यहां पर सिर्फ विक्षेपण हो रहा है, अर्थात प्रिज्मों के इस संयोजन में प्रकाश का केवल विक्षेपण होता है, विचलन नहीं होता, अर्थात हमको जो रंगों का जो समूह प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, वो आपतित किरण के दिशा में ही प्राप्त होगा, उसका विचलन नहीं होगा, सिर्फ विक्षेपण होगा। सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं। विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त करने के लिए पुनः क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के से बने हुए प्रिज्मों को लिया जाता है। ये क्राउन कांच का प्रिज्म है और ये फ्लिंट कांच का प्रिज्म है।
दोनों के जो अपवर्तक कोण है वो विपरीत रखे जाते हैं जैसे पूर्व में रखा गया था। जब श्वेत प्रकाश किरण क्राउन कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसका वर्ण विक्षेपण तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन माध्य किरण का विचलन जितना क्राउन कांच के द्वारा उत्पन्न होता है उतना ही फ्लिंट कांच के द्वारा उत्पन्न होता है, बराबर उत्पन्न होता है। मतलब माध्य किरण का जो विचलन क्राउन कांच के द्वारा जितना उत्पन्न होगा उतना ही विचलन फ्लिंट कांच के द्वारा उत्पन्न होगा, उतना होगा, बराबर होगा, विपरीत होगा, इसलिए जो परिणामी विचलन है शून्य हो जाता है। हमको जो निर्गत किरणें प्राप्त होती है वो आपतित किरण के दिशा में ही प्राप्त हो रहा है। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, आपतित किरण की दिशा ये है ना, और निर्गत किरणों की दिशा ये है जो स्पेक्ट्रम को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये वर्ण विक्षेपण हो रहा है, श्वेत प्रकाश जो है सात रंगों में विभक्त हो जा रहा है लेकिन विचलित नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसका विचलन नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्राउन कांच के द्वारा उत्पन्न माध्य किरण का विचलन फ्लिंट कांच के द्वारा उत्पन्न माध्य किरण के विचलन के बराबर तथा विपरीत होता है, इसलिए इस क्रिया में परिणामी विचलन शून्य होता है तथा हमको विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त होता है, ठीक है। चित्र में दिखाया गया है सी क्राउन कांच का प्रिज्म है, एफ फ्लिंट कांच का प्रिज्म है। सी का जो एंगल है ए अपवर्तक कोण और फ्लिंट कांच के प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए डैश है। सबसे पहले अपन शर्त निकालेंगे, क्या शर्त होनी चाहिए विचलन रहित विक्षेपण को प्राप्त करने के लिए। मान लो माध्य किरण जिसको हमेशा पीले रंग का लिया जाता है, पीले रंग के किरण, ठीक है, के लिए मान लो माध्य किरण के लिए क्राउन तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक म्यू आई तथा म्यू आई डैश है, साथ ही प्रिज्म का कोण क्रमशः ए तथा ए डैश है, ठीक है। माध्य किरण पीले रंग के लिए क्राउन कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू आई है और फ्लिंट कांच के लिए पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू आई डैश है। क्राउन कांच के लिए प्रिज्म का कोण ए और फ्लिंट कांच के लिए यहां पर लिख देते हैं अपन क्राउन तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म का कोण क्रमशः ए तथा ए डैश है। क्राउन के लिए ए है और इसका जो है ए डैश है। क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन, हम ये देखते हैं कि माध्य किरण का विचलन जो है क्राउन कांच के द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो ये डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, ठीक है। डेल्टा वाई इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए किसके लिए है, ये क्राउन कांच के प्रिज्म के द्वारा माध्य किरण का विचलन। इसी प्रकार
फ्लिंट कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन, इसको हम डेल्टा वाई डैश से व्यक्त कर देते हैं, बराबर हो जाएगा म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। चूंकि विचलन रहित विक्षेपण में क्राउन कांच के द्वारा उत्पन्न माध्य किरण का विचलन बराबर होता है फ्लिंट कांच के द्वारा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के द्वारा माध्य किरण का विचलन जितना उत्पन्न ये करता है उतना ये करता है बराबर होता है लेकिन विपरीत होता है। इस प्रकार से परिणामी विचलन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रिज्मों के इस संयोग में या संयोजन संयोग कर दो संयोग में ठीक है माध्य किरण का विचलन विचलन शून्य होता है, शून्य प्राप्त होता है। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है क्राउन कांच जितना इसको विचलित किया अपने मार्ग से उसको इन्होंने खत्म किया। इस प्रकार से परिणामी विचलन शून्य है, अतः डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई डैश इक्वल टू जीरो। डेल्टा वाई तथा डेल्टा वाई डैश का मान रख देते हैं अपन, डेल्टा वाई की वैल्यू है म्यू वाई डैश म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस डेल्टा वाई डैश का मान है म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको आगे हल कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं अपन। म्यू वाई माइनस वन इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। इसको आगे अपन लिख सकते हैं ए अपॉन ए डैश इक्वल टू माइनस म्यू वाई माइनस ए अपॉन ए डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये ए अपॉन ए डैश इक्वल टू म्यू डैश माइनस वन अपॉन म्यू वाई माइनस वन। ये समीकरण नंबर एक है और ये समीकरण नंबर दो है। समीकरण नंबर दो विचलन रहित विक्षेपण के लिए शर्त है, अर्थात क्या शर्त होनी चाहिए, ए अपान ए डैश इक्वल टू होना चाहिए माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन अपान म्यू वाई माइनस वन। अब यहां पर पुनः ऋण चिन्ह आया है समीकरण नंबर दो में जी, ठीक है, तो ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि दोनों प्रिज्म क्राउन कांच का प्रिज्म और फ्लिंट कांच का प्रिज्म दोनों के जो अपवर्तक कोण है वे एक दूसरे के विपरीत रखे हुए, अपोजिट रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये इधर रखा हुआ है, ये इधर रखा हुआ है। चूंकि दोनों समीकरण का हम आगे इस्तेमाल करेंगे इसलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए इक्वल टू माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन ए डैश, समीकरण नंबर एक,
a अपॉन a डैश इक्वल टू माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन म्यू वाई माइनस वन। तो ये हो गया शर्त, विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त करने के लिए शर्त। अब हम ये देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण कितना प्राप्त होता है, परिणामी वर्ण विक्षेपण ज्ञात करेंगे। परिणामी वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश सात रंगों में तो बट रहा है, तो इसके लिए अपन कितना बट रहा है, कितने इसका वर्ण विक्षेपण कितना हो रहा है, ये हम ज्ञात करेंगे परिणामी वर्ण विक्षेपण। मान लो बैंगनी तथा लाल रंग के लिए क्राउन कांच के प्रिज्म तथा फिन कांच के प्रिज्म के लिए फिन कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक क्रमशः म्यू बी म्यू आर तथा म्यू बी डैश म्यू आर डैश है। ठीक है, यहाँ पर बैंगनी रंग तथा लाल रंग के लिए क्राउन कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक म्यू बी म्यू आर है तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए बैंगनी तथा लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बी डैश म्यू आर डैश है। इसलिए अतः क्राउन कांच के क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण, उत्पन्न कोणीय वर्ण कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। हम पहले पढ़ चुके हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में, हमको पता है। ठीक है, तो ये क्राउन कांच के प्रिज्म के द्वारा जो कोणीय वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होगा वो म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर है। इसी प्रकार फ्लिंट कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण ये बराबर हो जाएगा म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश, और यहाँ पर प्रिज्म का कोण कितना है फ्लिंट कांच के लिए, ए डैश है। तो ये क्राउन कांच के प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण है और ये फ्लिंट कांच के प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण है। इस प्रकार से परिणामी वर्ण विक्षेपण हम दोनों को जोड़ देंगे, इस प्रकार परिणामी
कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसको हम थीटा ले लेते हैं। थीटा बराबर यह है क्राउन के द्वारा उत्पन्न ये म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, और फ्लिंट के द्वारा उत्पन्न ये दोनों हम आपस में जोड़ देते हैं। म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। यहाँ पर थीटा इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। इस समीकरण में हम समीकरण नंबर एक से ए डैश का मान रख देते हैं, यहाँ पर ए डैश का मान रख देते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस, यहाँ से एक ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस इधर चला आएगा, म्यू आई माइनस वन इंटू ए, और ये अपान हो जाएगा म्यू आई डैश माइनस वन, और ये ऑलरेडी है ही यहाँ पर म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। कुछ नहीं किए हम यहाँ पर, क्या किए ए डैश का मान समीकरण नंबर एक से रखने पर, ए डैश का मान रख दिए, ए डैश का मान ये हमको प्राप्त हो रहा है इतना, ये ए डैश का मान है, माइनस इधर चला जाएगा माइनस म्यू आई माइनस वन अपान म्यू आई डैश माइनस वन इंटू ए, या थीटा बराबर इसको कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में शामिल है, इसको अपन कॉमन कर लेते हैं, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए बचेगा वन, यहाँ पे वन बचेगा, तो ये हो जाएगा, इसको अपन इस रूप में लिख लेते हैं म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपान म्यू आई डैश माइनस वन। इसके नीचे इसको ले आए और यहाँ पर लिख देते हैं म्यू आई माइनस वन अपान, चूंकि ये कॉमन निकाले हैं इसमें शामिल नहीं है तो इतने का हमको भाग देना पड़ेगा, म्यू बी माइनस म्यू आर, इसको और आगे हल कर देते हैं अपन, थीटा बराबर हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए वन माइनस ओमेगा डैश बटे ओमेगा, जहां ओमेगा ओमेगा बराबर होगा म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू आई माइनस वन म्यू आई माइनस वन, और ये होगा क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, तथा ओमेगा डैश बराबर होगा म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश बटे म्यू वाई डैश माइनस वन, फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता होगा। तो ये समीकरण जो हम प्राप्त किए हैं थीटा बराबर
म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए वन माइनस ओमेगा डैश अपान ओमेगा। ये विचलन रहित विक्षेपण के लिए परिणामी वर्ण विक्षेपण का मान होगा। चूंकि ओमेगा तथा ओमेगा डैश दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये ओमेगा और ओमेगा डैश दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर ये बराबर होंगे तो ये जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओमेगा और ओमेगा डैश यदि बराबर होंगे तो वन माइनस वन जीरो, परिणामी वर्ण विक्षेपण शून्य हो जाएगा। लेकिन चूंकि ओमेगा और ओमेगा डैश बराबर नहीं हो सकते इसलिए परिणामी वर्ण विक्षेपण थीटा शून्य नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर हमको विक्षेपण प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो है विचलन रहित विक्षेपण के परिणामी वर्ण विक्षेपण का शर्त हुआ। यहां पर चूंकि माध्य किरण का विचलन शून्य होता है इसलिए जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो रहा है आपतित किरण के दिशा में ही उसी के समानांतर प्राप्त होता है, ठीक है, विचलन शून्य हो जाता है यहाँ पर। इस प्रकार से आज हम प्रिज्मों के संयोजन में दो प्रकार का देखा, पहला अपन ने देखा था विक्षेपण रहित विचलन और अभी हमने देखा विचलन रहित विक्षेपण। धन्यवाद।